हेलो हेलो। हाँ भाई, कहाँ हो? अरवन भाई, हाँ तुम्हारे पिताजी ने सरप्राइज तो भेजा है, लेकिन ये सरप्राइज बहुत छोटा लग रहा है मेरे को। बताओ तो। RC 125। हाँ वो तुम्हें लद्दाख जाना था ना, उसके मैं रास्ते में मैं आ रहा हूँ, वेट करो मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मजाक से हटके गाड़ी है, एडवेंचर है ये तो। RC 125 बोलते हैं इसको। तुम्हारे पिताजी ने सेलेक्ट करी है तुम्हारी? हिंदी में काट रही है मेरा? हिंदी में नहीं, इंग्लिश बोल के। टेस्ट राइड पे आ रखे? नहीं नहीं, टेस्ट राइड वाइकल है, किसी नंबर प्लेट पे टेस्ट राइड वाइकल मिल जाएगी। मैं सच बताऊँ, मैं कल से यही गाड़ी देख रहा है यार, पसंद बहुत आ रही थी। क्या पता, सही बताओ यार, लेके आ रहा मैं राउंड। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल द वाइल्ड किड 07। अनदर गुड डे विद अनदर गुड मशीन। और आज मैं राइड कर रहा हूँ KTM ड्यूक 390 एडवेंचर। यार गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ है यार। और बेसिकली मेरी तो यार सच बताओ तो मेरी हाइट भी नहीं पहुँच रही थी इसके लिए। लाइक इंजन तो सेम है ड्यूक 390 का इसमें, और बट जो ड्यूक 390 है बेसिकली बहुत एग्रेसिव है, और ये उसका ऑपोजिट ही है। क्योंकि मतलब जैसा चलाने फील हो रहा है, पावर तो वही है जैसा 390 में आता है पावर, बट इतने बजट में इतनी पावर और ये बाइक बहुत सही मिल रही है बॉस। तो अगर आपको ऑफ रोडिंग का शौक है यार, या आपको सिटी में भी ट्रैवल करना है ट्रैफिक में, तो ये गाड़ी बेस्ट है आपके लिए। ये ड्यूल चैनल ABS के साथ आती है, और कॉर्नरिंग ABS, और इसमें आता है कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल। सो चलते हैं अभी, और आगे आपको इस गाड़ी के बारे में बताता हूँ थोड़ी सी राइड करके कि मुझे कैसा फील हुआ इस गाड़ी चलाने के बाद। सो मिलते हैं गाइस। दिस बाइक इज पावर्ड बाय 373cc लिक्विड कूल FI इंजन, making 43 bhp and 37 newton meter of torque with 6 speed gearbox and half sleeper clutch and bi-directional quick shifter for slicker shift. The bike gets long travel suspension and better braking with supermoto cornering ABS and yes, traction control for better lean angle. Tires are midsiller with on and off road treads, priced at 3.55 lakh on road. However, the experienced rider will also discover that good things with so much features come in a small package. Now let's talk about the seats. The two-part seat is positioned for the comfort and control on long rides at an accessible seat height of 855 mm. So now enjoy the cinematic shots guys.
गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट, और अगर आपने यार चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो डू सब्सक्राइब, जिससे मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियो ला पाऊँ आपके लिए, और लाऊंगा वो तो है बट ये गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।